हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली में है बहुलक, माध्यक और माध्यक। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल। ये कि एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा मतलब 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। 19, 25, 23, 19, 15, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुलक और माध्यक निकालने के लिए आपको इन सभी संख्याओं को एक क्रम में जमाना पड़ेगा। या तो आप इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को लिखते हैं अवरोही क्रम। तो कोई सा भी क्रम जमाओ पर इनको एक क्रम में जमाना जरूरी होता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे 5, फिर उसके बाद में 5 के बाद में आते 9, 9 के बाद में आता है 10, फिर 11 नहीं है इसमें, 12 है एक बार, फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है एक बार, 16 एक बार है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 2-3 बार है, 20 20 20, 21 नहीं है इसमें, 22 नहीं है, 23 एक बार है, 24 एक बार है, 25 एक बार है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक गलती कर दी इसमें, 20 यहां पर है 4 बार है। देखो 1, 2, 3 और 4 बार 20 है, 20 एक बार है यहां पर, 23 एक बार, 24 और एक बार 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 भी यहां पर 2 बार है। गौर से देखो, 1 25 ये रहा और 1 25 ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को गिन लो, अगर हमने कोई गलती रह गई हो तो पता लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अभी भी कोई एक संख्या ऐसी है जो छूटी हुई है। ठीक है, तो गौर से देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये 19 भी है इसमें और हमने 19 लिखा नहीं है, तो 19 हम यहाँ लिख देते हैं 19। ठीक है, 15 संख्या लिख दी। अब आपको इसमें निकालना क्या है, बहुलक। बहुलक मतलब जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो यहां पर देखो 20 4 बार आया हुआ है ना, और 25 2 बार है, बाकी सब अंक एक एक बार है, तो इसका बहुलक कितना होगा, 20। ठीक है, अगला लिखे माध्यक। माध्यक होता है बीचों बीच का अंक, मतलब 15 अंक है ना, तो इधर से लो या फिर लास्ट में से लो, जो बीच में नंबर आता है 8वें नंबर का, 7 इधर छोड़ दे, 7 इधर छोड़ दे, बीच में 8वें नंबर का आएगा, 8वें नंबर में जो अंक होगा वो इसका माध्यक होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 20 ही आता है बीचों बीच, इसलिए इसका माध्यक भी 20 ही होगा। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। तो देखिए हम सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए आंकड़ों का योग कैसे लिखेंगे, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15। टोटल कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 है क्योंकि खिलाड़ी 11 ही होते हैं, इसलिए 11 है ये ना। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 8 24 और 5 29।
असल ये दो, दो रे तीन और दो पांच, पांच पांच दस, दस और आठ अठारह, एक उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, असल ये दो, दो और एक तीन और एक चार, 429 टोटल योग है, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 दो 22, 11 तीन 33 बचे कितने, 9 बचे उतारने, 9 99 हो गए, 99 में 11 भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, मतलब यहां पर जो माध्य निकल के आया वो निकल कर आता है 39 रन। ठीक है, अब देखिए आगे हमको ज्ञात करना है भौलक, भौलक या माध्यक दोनों ज्ञात करने के लिए आपको ये जो ऊपर सारे क्रमों का जो क्रम है इसको आपको या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, चलिए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास में, 6, फिर 6 के बाद में आता है 10 और वो भी दो बार आता है 10 10 10 के बाद में अगला जो अंक आता है वो आता है 15, वो तीन बार आता है 15 15 15 15 के बाद में जो अगला अंक आता है, सॉरी यहां पर एक 8 और छूट गया तो 8 को यहां लिख देते हैं। ठीक है, 15 के बाद में आता है हमारे पास में 50, फिर आता है 80, फिर आते हैं 120। अब इन सबको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी एक और छूट गया इसमें, तो क्या छूटा हुआ है, 120 50, इसमें 100 छूटा हुआ है अभी, है ना, तो यहां पर हम पहले 100 लिखेंगे फिर 120 लिखेंगे, तो अब हमारा ये अवरोही क्रम में सेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर देखें सबसे दूसरे नंबर निकालना है बहुलक, तो मैं यहां बहुलक निकाल देता हूं, बहुलक इसमें जो अंक सबसे ज्यादा आता है वो संख्या क्या होगी, बहुलक होगी, देखो 6 एक बार है, 8 एक बार है, 10 दो बार है, 15 तीन बार है, 50 एक बार, 80 एक बार, 100 एक बार और 120 एक बार, मतलब 15 यहां पर तीन बार आया है तो सबसे ज्यादा बार होगा, तो यहां पर बहुलक 15 होगा। तीसरा देखो माध्यक, माध्यक होता है बीचों बीच का अंक, मतलब 11 में से 5 पहले की संख्या छोड़ दे, 5 आगे की संख्या छोड़ दे, बीचों बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, छठे नंबर का, तो आप किधर से भी छठे नंबर का अंक गिन लो वो इसका माध्यक हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे आता है 15, तो माध्यक भी होगा 15। तो हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, क्या ये तीनों समान नहीं, समान है, तो यहां पर लिखेंगे यह तीनों समान नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि माध्यक हो जाता है 39 आ गया, बाकी बहुलक और माध्यक 15-15 है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है, 38 42 37 45 50 32 43 44 40 36 38 38 47। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं दी हुई है, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो देखो बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको इनको अवरोही या फिर आरोही क्रम में लिखना होगा, है ना, तो अब इनको किसी एक क्रम में लिख देते हैं, तो कोई सा भी आंक दीजिए, मैं यहाँ पर इनको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी 32। ठीक है, और 32 इनमें एक ही बार है ना, 32 के बाद में अगली संख्या आती है वो है इसमें 35। 35 कितनी बार है, इसमें गौर से देखेंगे एक ही बार है, 35 के बाद में इसमें 36 नहीं है, 37 नहीं है, 38 है, 38 कितनी बार है इसको गौर से देखेंगे, 1 2 3 बार है ना, 38। फिर 39 नहीं है इसमें पूरे में, 40 भी नहीं है, 41 नहीं, 40 एक है यहां पर, 40 41 42 नहीं है, हाँ 42 भी एक बार है इसमें, फिर 43 1 2 3 बार है, 43, फिर 44 नहीं है, 45 है इसमें एक बार, फिर 46 नहीं है, 47 है एक बार, है ना, और उससे पहले हमारी एक संख्या छूट रही है यहां पर, 37 छूट रही है यहां पर, हाँ ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है,
47 के बाद में यहां पर आगे संख्या नहीं है, ठीक है, 47 तक ही है। आप इनको गिन ले, कितनी संख्या है, 15 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अभी तो दो संख्याएं और छुट्टी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन छुट्टी, यहाँ पर 36 हुई है, देखो गौर से देखनी यहाँ पर, तो मैं इधर कोई सटाना पड़ेगा, यहाँ पर शुरू होगा 32 से, फिर यहाँ पर 32 के बाद में आता है सीधे सीधे 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, 38 तीन बार है यहाँ पर, है ना। तो देखो आप गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी भी यह छूटा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर 37 एक बार है, 38 तीन बार है, ठीक है, 42 यहाँ पर 43 दो बार है, नहीं तीन बार है, 1, 2, 3 बार है, ठीक है, और 35 यहां पर जो 50 है ना, इसको लिखना भूल गया, 50 है सबसे बड़ी संख्या लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने क्रम में इसको सेट कर लिया, आप ध्यान से देख के ना, अब बीच में कोई ये जो क्रम है बदलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम बहुलक, गौर से देखो सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 38 तीन बार आ रहा है, 43 तीन बार आ रहा है, बाकी कम आ रहा है ना। तो यहां पर दोनों ही बहुलक होंगे, इसका 38 भी बहुलक होगा और 43 भी बहुलक होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या निकालना आपको, माध्यक, टोटल कितने अंक है ये, 15 है ना। तो बीचों बीच कौन सा आएगा, 8वें नंबर का, तो 8वें नंबर का आप इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, 8वें नंबर का किसका माध्यक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 40 क्या होगा इसका, माध्यक होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला हो गया इसका। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो इसके दो बहुलक है देखो, ठीक है, तो इसके हाँ या ना में उत्तर देना होगा, इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको किसी क्रम में लिखना होगा इसको, आरोही या अवरोही आपकी मर्जी है, कोई सी भी लिखो। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले इसमें 12 दो बार आया है, 13 भी इसमें दो बार आया है, 14 इसमें तीन बार आया है, 15 ही नहीं, 16 आया है इसमें एक बार, है ना, फिर उसके बाद में 19 आया है। गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है ना, इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो हो गया हमारा सेट, है ना। अब आपको क्या निकालना है, बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वही बहुलक होता है, 12 दो बार है, 14 दो बार है, ये तीन बार है, ये एक बार, ये एक बार, तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है इसमें, 14, तो 14 इसका बहुलक हो गया। माध्यक, जो टोटल अंक कितने हैं, 9 है, 9 है, तो इसका मतलब बीचों बीच अंक कौन सा होगा, 4 आगे छटा दो, 4 पीछे छटा दो, बीच में आता है 5वें नंबर का, तो 5वें नंबर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे आता है 14, तो दोनों इसमें समान होंगे। तो ये पांचवा ऑप्शन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहां पर आपको चार भाग दिए हुए हैं, आपको सभी में सत्य या असत्य लिखना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो जो आपने दिए हुए उनमें से एक अंक होता है, ध्यान रखें बहुलक, बहुलक वो अंक होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, और सबसे ज्यादा बार आता है तो कम से कम उन आंकड़ों में होगा जरूर, है ना। तो ये कथन क्या हमारा सत्य होगा ये, ठीक है। दूसरा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, देखिए यहां पर हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, है ना। ये माध्य उन आंकड़ों के बीच की भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको 3 अंक दे देता हूं, तो 3 और 5, ठीक है, या 6 ले लिया मैंने यहां पर, अब मैं इनका औसत निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 2 + 3 + 6 = 11, 11/3 करेंगे तो ये कोई कोई संख्या निकल आएगी, कोई दो में, है ना। इस प्रकार से ये दूसरा जो कथन है ना ये हमेशा सत्य नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे असत्य।
जो चीज हमेशा सत्य नहीं होती वो हमेशा असत्य ही होती जा रही है। तीसरा, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो ध्यान रखें, जो बीचों बीच का अंक होता है ना, वो माध्यक होता है। वो आगे से या पीछे से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा एक अंक होता ही होता है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 8 है ना। 8 में से बीचों बीच कौन सा होगा? तो ध्यान रखें, एक इधर छोड़ो, एक इधर छोड़ो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर छोड़ो, है ना, एक इधर छोड़ो। तो बीचों बीच में कोई अंक नहीं है, तो मतलब इससे अगला वाला जो अंक होगा ना, 9, ये इसका माध्यक माना जाएगा। मतलब हम अगर मान लो हमारे पास 8 अंक है, तो 8 में हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो कितना है? 4। तो 4 से जस्ट अगली वाली संख्या कितनी होगी? 5 नंबर की। 5 नंबर का क्या हो जाएगा? आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? हमेशा सत्य हो जाएगा। चौथा कथन देखो, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्यक 9 है। तो देखो यहां पर हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आंकड़े हैं। इन सबको जोड़कर हम 8 को भाग देंगे। अगर भाग देने पर 9 आता है तो ये कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा असत्य। तो जोड़ते हैं, देखो 6, 6, 10 और 3, 13, 13 और 8, 21, 21 और 9, 30 और 12, 42, 42 और 13, 55, 55 और 9, 64। अच्छा, 64 में 8 को भाग देंगे, 64 में 8 को भाग देंगे, तो उत्तर 8, 9, 64, 8 आएगा, है ना। और यहां पर 13 है 9, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। और इस पांचवे सवाल के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये खत्म होती है। आपको किस सवाल में कोई दिक्कत आई तो कमेंट करें, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 7 के विज्ञान और गणित के सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 3.3 के साथ में।